पिछले एपिसोड में आपने देखा। ये मेरी माँ की रेसिपी है रानी। लेकिन तुम्हारी बहन को देखने के लालच की वजह से। सोफिया, सोफिया। मुझे सोफिया को मारना पड़ा जिसने तुम्हें वैम्पायर बनाया था वो मर चुका है। क्या? मैंने सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था। तुम उस बच्चे को मार दोगी? गोली की आवाज शायद उधर से आई है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ? ये वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम के एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। सेकंड बीत गए हैं, सब ठीक लग रहा है, बल्कि पहले से बेहतर है। मैं हूं डॉक्टर पंकज, कोड नंबर 4227। मैं हमारे साथी के खून की रिसर्च की रिपोर्टिंग कर रहा हूं RTR001 के खून के सैंपल से। अब तक सब सही चल रहा है। 29 सेकंड से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। हमारे साथी का खून अब भी ओरिजिनल कंडीशन में ही है। ये अच्छा संकेत है कि तैयार किया हुआ खून अपने आप को ही टेस्ट करने वाले खून से आसानी से बचा सकता है। RTR001। अब एक मिनट हो गया, हम सफल रहे। ये क्या? क्या हमारे पास आरटीआर के खून को तबाह करने का कोई और तरीका नहीं है? Ah!
एक इंसान की पहुंच से तुम बहुत दूर हो और मैं ऐसा बहुत कम देखता हूं। क्यों? ये मत पूछो। ताकत को बचा के रखो, ये तुम्हारी जिंदगी बढ़ा सकती है। पंकज से बात करने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। लोग अपने लिए पार्टनर्स क्यों चुनते हैं? आंखें बंद कीजिए और इस सवाल के जवाब के बारे में सोचिए। हर एक इंसान का अपना अपना जवाब होगा। मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि हम उनसे अपनी कमी पूरी करते हैं और कुछ चीजों को खत्म करते हैं, लेकिन जो मैंने सोचा था और जो सच है वो एक दूसरे से बहुत अलग है। अब मैं एक एक्स पार्टनर हूं जिसे पीछे छोड़ दिया गया है, बिल्कुल किसी बेकार हिस्से की तरह। मुझे पुराने सॉफ्टवेयर की तरह बदल दिया गया। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। उसे एक नया पार्टनर मिल गया है। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और उनका मकसद भी एक ही होगा। उसे कितना अच्छा पार्टनर मिला है ना? लेकिन मेरा क्या होगा? आज मौसम अच्छा है ना? हाँ, लेकिन यहाँ इतने लोग नहीं है। डिपेंड करता है, फ्राइडे और वीकेंड्स पे भरा रहता है। अच्छा, हे सुनो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है। तुम यहाँ? जिस वैम्पायर का पीछा कर रहे थे वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, तुम्हें और ज्यादा फिट होना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लू का क्या हुआ? तुमने जो बताया था उससे ऐसा लगता है कि अगर होलिया पता हो तो मैं उसका स्केच बना सकता हूँ, लेकिन असल में मुश्किल इसमें आ रही है। एक और शख्स गायब हुआ। इस बार जो शख्स गायब हुआ है वो एक एंटरटेनर है। हाँ, जो पर्सन गायब हुआ है उसका नाम है महेश। विटनेस का कहना है कि आखिरी बार उसने उसे एक स्टेशन पे देखा था और उसके बाद से ही मिस्टर महेश लापता है। आखिरकार इन सबके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये तो करण और कृष्णा है जो आजकल बहुत ही फेमस है। जब भी मैं टीवी खोलता हूँ बस यही दोनों दिखते हैं। क्या वो भी वैम्पायर है? चलिए हम आशा करते हैं मिस्टर महेश जहाँ हो ठीक हो। ये अच्छा है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो आपसे विदा लेते हैं, मेरा नाम है कृष्णा। और मेरा नाम करण। हम दोनों भाई मिस्टर महेश के परिवार के साथ हैं। मुझे लगता है ये वैम्पायर हैं। ये दोनों टीवी पर पब्लिक के सामने आते हैं। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं इन्हें संभल कर रहना पड़ता होगा।
हमें भी होशियारी से ही काम लेना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि इस काम को हमें एक महीने के बाद ही करना चाहिए। बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ये जरूरी है। नॉर्मली इंसान अपना एक हफ्ता प्लान कर लेता है और दूसरे हफ्ते भी वो वही प्लान फॉलो करता है। मुझे लगता है हमें उनके एक हफ्ते का टाइम टेबल ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी हमें उन दोनों को पकड़ने का मौका मिलेगा, और वैसे भी वो दोनों ही बहुत होशियार हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं वैम्पायर हैं, और वैसे भी इंसान और वैम्पायर का टाइम टेबल अलग होता है, इसलिए हम इन दोनों को किसी आम इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। एक महीने का समय मुझे लंबा लग रहा है, हमारे लिए एक हफ्ता काफी होगा तैयार होने के लिए। तब तक मैं अपना अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं और सूजन तुम लोगों की सपोर्ट टीम है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, पर पहले मुझे ऑफिस का काम निपटाना है। हमें सब एक घंटे में ही खत्म करना होगा, सिर्फ एक घंटे में। मुझे खून की खुशबू आ रही है। Yeah.